मेरी पहली मीटिंग ही मुख्यमंत्री जी से विधानसभा सेशन के दौरान उनने मुझे बुलाया और उनने मुझसे इस पर राय ली, क्योंकि 1 नवंबर का समय बीत चुका था सरकार बनते बनते, तो मैंने उनको ये राय दी कि अब क्योंकि चुनाव नहीं किए करवाए जा सकते तो आप अगले सेशन में डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शंस की जो बात थी उसको पूरा करें। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सकारात्मकता से मुझे विश्वास दिलाया कि अगला जो एनुअल ईयर का इलेक्शन है हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टूडेंट इलेक्शन होगा और लिंग दो कमेटी की सारी बातों को मानकर। मुख्य मकसद अब ये भी रहेगा कि जन समस्याओं से निपटा जाए, लोगों को जो उम्मीद हमारे से है उनको हर हेडक्वार्टर पर बैठ करके लोगों की मूलभूत जरूरियात को सुना जाए, समझा जाए और फिर दुष्यंत जी के माध्यम से कंसर्न अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर करके उन सभी मामलों को निपटाया जा सके। ये फैसला मनोहर जी ने और दुष्यंत जी ने लेना है कि क्या उसी नाम से या किसी और नाम से ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा। बट हमारी सोच सदैव ये रही है कि सरकार को जनता के द्वार पर ले जाया जाए। चौधरी देवीलाल जी के जमाने से जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी वो यही था कि अधिकारी के दर पर ना आना पड़े बल्कि अधिकारी आपके दर पर चल करके आए। उसको लेकर के भी हम सरकार से पार्टी के स्तर पर भी बात करेंगे और दुष्यंत जी से भी। देखो सभी कहते हैं, हम जब विपक्ष में हुआ करते थे तो हम भी यही बातें कहते थे, विपक्ष का काम है कहना, सरकार में बैठे लोग जो हैं उनका काम है करना। अब हमारी डिलीवरेंस इस बात की जो है आगे आईना होगी कि हम कितना लंबा चलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 5 साल ये सरकार स्थिर चलेगी, क्योंकि नंबर्स का जो 90 में से आंकड़ा है अब वो मेजॉरिटी से भी बहुत अंक ज़्यादा इस सरकार के पास है। भूपेंद्र हुड्डा फ्रस्ट्रेटेड है, भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाना है, कब जाना है ये तो अदालत ने तय करना है मगर जाना जरूर है। तो भूपेंद्र हुड्डा वो बुझते हुए दिए हैं जो फड़फड़ा रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं।